हेलो दोस्तों, मैं तक्षा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर चलूँगा सारनाथ और सारनाथ के दिगंबर जैन मंदिर घुमाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ का इतिहास क्या है और यहाँ से जुड़े हुए सारे तथ्य भी आपको बताऊंगा और यहाँ की चमत्कारिक प्रतिमा और यहाँ की धर्मशाला के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम चल रहे हैं जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान के मंदिर की ओर। सारनाथ को जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। ये मंदिर धमेक स्तूप के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ही भगवान श्रेयांसनाथ के 4 कल्याणक हुए। सबसे पहला च्यवन कल्याणक। जब तीर्थंकर अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो उसे च्यवन कल्याणक कहते हैं। दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा कल्याणक और चौथा केवल ज्ञान कल्याणक। ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण सन 1824 में भगवान श्रेयांसनाथ के जन्म स्थान की स्मृति के रूप में कराया गया था। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर आपको लेके। तो हम चलते हैं मंदिर जी के अंदर और ये आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा और चारों ओर दीवारों पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी चित्रकारी है। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित चित्रकारी है और बीचों बीच ये बहुत ही सुंदर आकर्षक मंदिर है और भगवान की मूर्ति रखी हुई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति है ये श्रेयांसनाथ भगवान की है, जिसकी हाइट है 75 सेंटीमीटर। ये पद्मासन मूर्ति है और बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी प्रतिमा है यहाँ पर। इस मंदिर के बाहर एक 103 फुट ऊंचा अष्टकोणीय स्तंभ मौजूद है जो 2200 वर्ष पुराना बताया जाता है। जैनियों के अनुसार इसे सम्राट अशोक के पोते राजा श्री संप्रति द्वारा प्रभु श्री श्रेयांसनाथ के कल्याणक स्थान के स्मारक के रूप में बनवाया गया था। तो इस परिसर से बाहर चलते हैं और इस परिसर से बाहर रोड को क्रॉस करने के बाद सामने साइड रोड के एक ये जैन मंदिर और धर्मशाला भी है। तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है अंदर। पौराणिक मान्यता अनुसार इस स्थान पर 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। यहाँ पर देवों ने उनके समवशरण की रचना की थी और विद्वानों का यहाँ तक मानना है कि तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का जन्म स्थान होने के कारण ही इस स्थान का नाम सारनाथ पड़ गया। और ये जो प्रांगण में आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये 11.25 फुट ऊँची पद्मासन भगवान श्रेयांसनाथ की प्रतिमा है। ये एक चमत्कारिक प्रतिमा है और मैं आपको बता दूं इस परिसर के चारों ओर भगवान पार्श्वनाथ, भगवान सुपार्श्वनाथ, भगवान चंदा प्रभु और भगवान श्रेयांसनाथ के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने नवंबर 2002 में सारनाथ पदार्पण के अवसर पर इस परिसर का नाम भगवान श्रेयांसनाथ धर्मस्थल घोषित किया है। भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन सारनाथ में हुआ था। भगवान के पिता का नाम विष्णुराज और माता का नाम वेणु देवी था। इनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। ऐसा मानते हैं कि इनकी आयु 48 लाख वर्ष पूर्व थी। इनके शरीर का आकार 80 धनुष यानी 240 मीटर था। भगवान श्रेयांसनाथ ने फागुन कृष्ण एकादशी को दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करते ही भगवान 4 ज्ञान के धारक हो गए। उन्होंने 2 वर्षों तक तप किया। दीक्षा ग्रहण के 2 वर्ष पश्चात माघ अमावस्या के दिन इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त करते ही भगवान ने अरिहंत अवस्था प्राप्त कर ली। इसके पश्चात श्रेयांसनाथ भगवान ने साधु साध्वी श्रावक और श्राविका नामक 4 तीर्थों की स्थापना की और स्वयं तीर्थंकर कहलाए। और ये आप देख सकते हैं इस परिसर में एक और मंदिर है।
श्रेयांसनाथ भगवान के गणधरों की संख्या 70 थी। प्रथम गणधर का नाम धर्मस्वामी था। इनका चिन्ह गैंडा है और शरीर का वर्ण सुनहरा था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप बाहर से आते हैं तो यहाँ पर आपके रुकने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था है। यहाँ पर 30 कमरे हैं और 2 हॉल हैं। तो यदि आप बाहर कहीं से आते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और खाने पीने के लिए यहाँ पर बाहर मार्केट है और कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर भेलूपुर है, जहाँ पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ भी धर्मशाला है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। तो यही था इस ब्लॉग में दोस्तों। बताइएगा आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सुझाव है, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।